आपका दर्शक लाइन में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। एक ओर जहां दुनिया भर में अब ओमिक्रॉन की दहशत है, वहीं कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन गई है। साथ ही आने वाले समय में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के भी लाले पड़ रहे हैं। प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव प्रयास भी इस अनदेखे दुश्मन से निपटने का कर रहा है। और अब बात इंदौर की, जहाँ लगातार सामने आ रहे कोरोना के मरीजों ने पूरी प्रशासनिक सर्जरी हिला कर रख दी है। और इसी के चलते इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने मंगलवार इंदौर के एमवाई के ऑडी में जिले भर डॉक्टर्स पैरा मेडिकल टीम को प्रशिक्षण दिया। इंदौर शहर में विदेश से आने वाले कई यात्रियों में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इंदौर कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि इंदौर शहर में कुल 94 सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी दिल्ली से आना बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही शहर में कोरोना की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती देख प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। कमिश्नर ने कहा कि फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं उनमें कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन के मरीज हैं। शहर के निजी अस्पताल में जांच के बाद नए म्यूटेट पाए जाने की बात को लेकर कमिश्नर ने कहा कि जब दिल्ली से सैंपल की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वेव 3 के बारे में बातें हो रही हैं और उसकी तैयारियां प्रशासन और शासन कर रहा है। आज जो ऑक्सीजन देने के सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, HNFC, बाईपैप या वेंटिलेटर्स, उसकी ट्रेनिंग की गई है। वेंटिलेटर भी एक से अधिक कंपनी के हैं, तो सभी जिलों से दो दो चार चार डॉक्टर्स को बुलाया है जो मास्टर ट्रेनर के रूप में भी रहेंगे, वहाँ एक्सपर्ट के रूप में भी रहेंगे। एयर ऑक्सीजन देने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करेंगे और फर्दर अपने जिलों में वो ट्रेनिंग करेंगे ताकि हम अपने पेशेंट्स को बेस्ट वे में ट्रीट कर सकें। ये एक दिन की ट्रेनिंग है, बिकॉज सब डॉक्टर्स हैं तो ऑलरेडी सबको ये चीज़ें आती हैं, बस ये एक तरह से रिफ्रेशर कोर्स है। और चूंकि मशीनें अलग अलग कंपनी की हैं, उनके इंजीनियर्स भी आए हुए हैं तो वो उनके ऑपरेशन को समझा देंगे। देखिए, अभी सैंपल्स हमारे लगभग 94 सैंपल दिल्ली गए हुए हैं जिनकी रिपोर्ट अवेटेड है। NCDC चेक करता है, वही ऑथराइज है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी और ओमिक्रॉन की जानकारी मिलेगी हम आपको सूचित कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू। ठीक, अब मैंने बताया ना कि NCDC से जैसे ही रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी, उम्मीद है जल्दी रिपोर्ट प्राप्त होनी चाहिए, लेटेस्ट बाय टुमारो, तो जैसे ही NCDC की रिपोर्ट में हमको कंफर्मेशंस मिलेंगे, वी विल शेयर विद ऑल ऑफ यू।